मेरा इनाम है 31,000 रुपये कैश प्राइस, 10,000 रुपये का सामान जाकिर भाई जैक फिशिंग में देंगे, 200 रुपये से रील स्टार्ट है हमारे पास और लगभग वार्ड मेरे पास 500 रुपये से स्टार्ट है। बिजनेस के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सही डिसीजन लेना सही है। देखिए इसे पूरा फोल्ड हो जाता है बट टूटता नहीं है। आज मिलने का मौका मिलता है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम कलीम भाई, अल्लाह कामयाब करे मेरा रब। फाइनली आ गया यार। अरे शुक्रिया शुक्रिया। फर्स्ट टाइम आया मैं शॉप भोपाल में। बहुत स्वागत है हमारे कलीम भाई का। कलीम भाई ने मौका दिया हमारे पास आने का। कलीम भाई का बहुत शुक्रगुजार हैं। भोपाल की मिट्टी ऐसी है जो एक बार व्यक्ति यहाँ पे आ जाए दोबारा उसको आना ही पड़ेगा, ये इस मिट्टी की खूबी है। तो कलीम भाई हमारे यहाँ पे आए हैं आज, इनका बहुत तहे दिल से मैं शुक्र गुजार हूँ और आमिर भाई का भी बहुत शुक्र गुजार हूँ कि आमिर भाई के जरिए कलीम भाई यहाँ आए और मुझे मिलने का मौका मिला। मतलब जिस व्यक्ति को हम आज तक वीडियो में ही देख रहे थे आज वो लाइव हमारे सामने, तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आमिर भाई से फर्स्ट टाइम मिला हूँ। मेरे यूट्यूब जर्नी में फरहान भाई के साथ साथ आमिर भाई का भी बहुत ज्यादा साथ रहा है। फिशिंग की दुनिया में आमिर भाई काफी महारत हासिल कर चुके हैं। कस्टमर और ग्राहक के बीच की विश्वास को काफी ये जीते हैं। इनके ग्राहक काफी खुश है, इनसे विश्वास भी करते हैं, काफी लोग मुझे बताते हैं। और इनसे मिलने का रीजन ये है कि मैं एक बार बता दूं कि लोग बिना झिझक अगर आप सामान मंगाना चाहते हैं तो आमिर भाई से मंगा सकते हैं। तो दोस्तों आमिर भाई भोपाल से रहने वाले हैं और इनका शॉप का नाम है एंगलर्स टैकल इंडिया। तो हम यहाँ की सारी वैरायटी देखना चाहेंगे और आमिर भाई से कुछ आइडियाज कलेक्ट करेंगे। तो चलो मिलते हैं आमिर भाई से और जानना चाहेंगे स्टार्ट कहाँ से करेंगे आप, बिगिनर्स के लिए, एंगलर्स के लिए या प्रो एंगलर्स के लिए। सबसे पहले तो मेरा नाम आमिर खान है और मेरा शॉप का नाम एंगलर्स टैकल इंडिया है जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और हमारे शॉप का एड्रेस कलीम भाई अपने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक, बाकी नंबर, सारी चीजें डिटेल्स दे दूंगा। जी भाई इसको भी ऑर्डर करना है, बिंदास ऑर्डर कर सकता है। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है तो कोई टेंशन नहीं है ऑनलाइन मंगाने की, क्योंकि क्या है आजकल हर चीज ऑनलाइन प्रोवाइड कराना है। इससे पहले क्या था, 4-5 साल 6 साल पहले क्या था, एंगलर सामान ढूंढते थे लोगों को मिलता नहीं था, क्योंकि क्या है उन लोगों को पता नहीं था मंगाए कैसे, और मंगाए तो फिर लोग डरते थे ऑनलाइन पेमेंट करने से। लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट देखते थे, वहाँ पे उन लोगों को वो वैरायटी वो चीज़ नहीं मिल पाती थी वो चाहते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश करी है जितना हम कर सकते हैं कि हर वैरायटी के टैकल्स, रॉड, रील, जो भी वैरायटी आती है हम कोशिश करते हैं मेंटेन करने की और लेके आ रहे हैं और हर कस्टमर तक प्रोवाइड करा रहे हैं। पेमेंट ऑनलाइन रहता है बट कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल कोई फ्रॉड वाली बात नहीं है, बिंदास पेमेंट करके मंगा सकते हैं। भाई अपने डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर प्रोवाइड करा देंगे, दुकान का एड्रेस प्रोवाइड करा देंगे और मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं जो भी मेरे पास आइटम आता है उसको अनबॉक्सिंग करके उसकी थोड़ी डिटेल्स, उसका प्राइस बताता हूँ मैं, तो वो भी देख सकते हैं आप जाके। बाकी मेरा कैटलॉग नंबर भी कलीम में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी जाके आप प्रोडक्ट की लिस्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे हम एमपी के डीलर हैं मेन, लुकाना के, डाइवा के, पाइनियर के, ये तीन कंपनी के तो मेन डीलर हैं बेसिक, जिसमें पूरे एमपी के अंदर से हम दो डीलर्स हैं, दो डीलर ही पूरे ऑल एमपी एमपी सप्लाई करते हैं और हमारा काम पूरे ऑल इंडिया का है। इसमें हमारे पास लुकाना, डाइवा, पाइनियर के ज़्यादातर सभी प्रोडक्ट मिलते हैं, जो भी हमारे सॉल्ट वाटर को छोड़ के सारे प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद जो दूसरे ब्रांड हैं भेजे इसके भोपाल के डीलर हैं, अबू गार्सिया हो गया, उसके बाद अकुमा है, मेजर क्राफ्ट है हमारे ब्रांड के अंदर, उसके बाद सीसर है, कैमरी है, फिशॉलिक है, और उसके बाद सीरोक है, और भी बहुत बहुत वैरायटी है हमारे पास। हमारे पास रेंज स्टार्ट जैसे मान के चलिए रॉड का बताता हूँ, तो रॉड मेरे पास 500 रुपीज़ से स्टार्ट है और मेरे पास 4,000 रुपीज़ तक का रॉड, मतलब 500 रुपये से लेके 4,000 रुपये का रॉड हमारे पास मिल जाएगा आपको। और जैसे रील का बताएंगे तो रील का 200 रुपये से रील स्टार्ट है हमारे पास और लगभग स्पिनिंग रील में 4,500-5,000 तक का रील मिल जाएगा। और बैटकास्टिंग में अगर अपन बोलेंगे तो 1,000 रुपये से बैटकास्टिंग रील स्टार्ट है, देखो जो कि 7-8 हज़ार रुपये तक का बैटकास्टिंग रॉड मिल जाएगा। जैसे अगर फ्रॉक का बोलें तो फ्रॉक में 100 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस है, 100 रुपये का फ्रॉक भी मिलता है हमारे पास, और एक उसमें वैरायटी आगे बढ़ते बढ़ते 600 रुपये तक का फ्रॉक हमारे पास हाईएस्ट है। उसमें हमारे ब्रांड में लुकाना है, मोरिजो है, हमारा खुद का ब्रांड है एंगलर्स टैकल इंडिया का, उसमें भी हमारे पास काफ़ी वैरायटी के फ्रॉक्स हैं और भी हम कोशिश कर रहे हैं आगे से आगे अच्छी चीज़ लाने की। और जैसे जो लोग बाहर वीडियो में देखा करते थे पहले थाईलैंड के अंदर वीडियो में जो टॉप वाटर लेयर होते हैं वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं, वो भी मिल जाएंगे हमारे पास, और कोशिश कर रहे हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं वो लाते जा रहे हैं। बाकी शॉप तो में इतना सामान आता है तो रख पा रहे हैं, बाकी और गोडाउन से हमारे में रख रहता है सामान हमारे पास। बाकी जो हमारे
व्हाट्सएप कैटलॉग में हमारा सामान डला है वो पूरा हमारे पास मिल जाएगा और जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए सब मिल जाएगा। तो आप बिंदास ऑर्डर कर सकते हैं, ऑल इंडिया हमारा डिलीवरी अवेलेबल है। इंडिया में आपको कोई सा भी छोटा गांव हो, शहर हो, कुछ भी हो, ऑल इंडिया डिलीवरी करते हैं हम। अभी मैं बिजनेस के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कुछ मतलब कितने तक उसको उनको पैसे लगाना चाहिए? मतलब देखिए बिजनेस के सबसे पहला तो उनको सही डिसीजन लेना चाहिए पहले कि उनको फिशिंग कौन सी करना है। जैसे उनको अगर मान के चलिए कार फिशिंग करना है या स्नेगेट फिशिंग करना है, कैटफिश फिशिंग करना है, तो वो एक पहले पर्टिकुलर फिशिंग का सोच लें कौन सी करना है और फिर फोकस करना है स्नेगेट का, स्नेगेट पर फोकस करना है। तो जैसे अगर बेसिक रेंज के अंदर अगर कस्टमर का 2000 तक का बजट है तो एक नॉर्मल वो क्रोकोडाइल का रॉड ले सकता है, एक येलो का रील लेके फिशिंग करना स्टार्ट कर सकता है। फिर जब वो धीरे धीरे रॉड रील चलाना सीख जाएगा तो फिर थोड़ा सा और अपर जाके लुकाना, डाइवा, पाइनियर, जो भी ब्रांड में वो जाना चाहता है वो ले सकता है। बाकी क्रोकोडाइल रॉड ऐसा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, तो कम प्राइस के अंदर एक बिगनर जो है बिल्कुल जिसने आज तक कभी फिशिंग नहीं करा वो करना शुरू कर सकता है। और सबसे पहली बात तो उनके एरिए में वो जैसी जगह ढूंढें जहाँ पे मरल हो। लोग बहुत सारे सामान खरीद लेते हैं, वो जाके साफ पानी में फ्रॉग चलाते हैं, वो बोलते हैं अटैक नहीं हुआ हमारा। अब वहाँ मछली हो गई तो अटैक कैसे करेगा? मछली मरल होता है तो एक बार में अटैक करता है। सही बात, सही बात है। आप बिजनेस के लिए जो सजेस्ट कर रहे हैं रॉड सॉलिड फाइबर रॉड है, काफी हैवी आता है वो, लेकिन सीखने के लिए वो सही है क्योंकि कम प्राइस का थोड़ा सा अगर बजट 2500-3000 रुपए तक का हो जाएगा तो लाइट वेट रॉड भी आ जाएगा। हाँ पहले आप सीख लो एक बार, क्या रहता है ट्रेनिंग आपका एकदम हार्ड होगा ना, मतलब वजन से, तो आप जो बाकी रॉड है नहीं तो... वो क्या होता है जैसे नए लोग लाइट वेट रॉड चलाते हैं तो कई बार तोड़ देते हैं वो लोग। सबसे पहली बात तो उनको खुशी इतनी होती है जैसे रॉड आता है हाथ से मोड़ते हैं रॉड को स्टार्टिंग। अब जैसे हाथ से मोड़ेंगे तो रॉड टूट जाता है उनका। स्टार्टिंग में टूटने का कारण ये रहता है कि कैसे हैंडल करना, मछली लगे बाद मतलब एक्साइटमेंट इतना आ जाता है, फ्रॉग फंस जाता है तो झटका मारते हैं लोग और मछली भी उठा देते हैं वो टूटता है। तो आप सीखने के लिए बिगनर्स जो है उनके लिए खास करके मैंने आमिर भाई से सवाल किया। बाकी एंगलर है, प्रो एंगलर हो, आप खुद ही फैसला तो ले ही लेते हैं जी, आप खुद डिसीजन कर ही लेते हैं क्या सही रहेगा क्या गलत। तो चलो हम अब पूरा प्रोडक्ट देखना चाहेंगे आमिर भाई का, कहाँ से शुरू करेंगे पूरा सेक्शन बता देते हैं। इधर ये पूरा सेक्शन इधर बेड कास्टिंग का है और ऐसे इधर स्पिनिंग है, इसमें हम जितना भी जो हम जमा पाए वहाँ पर वराइटी बहुत ही, इससे भी डबल टेबल वराइटी हमारे पास होगा कम से कम, बट हम जितना जमा पाते हैं हमारी शॉप के अंदर सब शॉप उतना हमारे पास रखा हुआ है। बाकी आप जो भी सामान देखना चाहें कैटलॉग में देख सकते हैं वहाँ पूरा है। आमिर भाई जो बैकलेस का प्रॉब्लम आ रहा है, लोगों क्या बोल सोचना है कि एकदम महंगा वाला लेंगे तो बैकलेस नहीं आएगा। आप कितना से कितना महंगा ले लें जब तक आपको रील चलाना नहीं आएगा, रील के बारे में आप जानेंगे नहीं, रील होता कैसा है, उसका फंक्शन क्या क्या होते हैं, उसके मैग्नेटिंग क्या क्या होते हैं, जब तक नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैं एक रील उठा के बताता हूँ आपको, जैसे ये अब ये रील है तो उसका मैग्नेट जो रहता है लोग क्या करते हैं फुल ऊपर कर देते हैं, फुल रील फ्री कर देते हैं, जैसे कास्ट करते हैं फौरन बैकलेस आ जाता है। तो इसको बिल्कुल मीडियम में रखें थोड़ा स्टार्टिंग के अंदर, और जो ये इससे थोड़ा टाइट करते हैं मैं इसको थोड़ा टाइट करके चलाएं, और सबसे पहले कास्टिंग करें जब तो रॉड हमेशा ऊपर रहना चाहिए, जहाँ रॉड नीचे आया वहाँ बैकलेस 100% आना ही है। तो थोड़ा सा सीखें पहले रील के बारे में जाने। तो उन मशीन में बेड कास्टिंग कुछ दिखाना चाहेंगे क्लोजअप में, आपका पसंद सबसे ज्यादा कौन सा है? देखिए पसंद तो ऐसे लुकाना प्रेडेटर ही है हमारा, शायद आपको कुछ यूज करना कंपनी सारी चीजें आप बेचते हैं, एक कुछ यूज करना थोड़ा भारी पड़ेगा। इसमें क्या है इसलिए बोलता हूँ, इसका मैं लोगों को सजेशन देता हूँ कि इसकी कम प्राइस के अंदर अच्छा रील है। उसके बाद सबसे अच्छा चीज करा दी है कि इसके पूरे पार्ट्स हम अवेलेबल करा देते हैं, क्योंकि इसका छोटा गियर, बड़ा गियर, जो भी गियर अंदर का प्रॉब्लम होगा, कोई सर्विस कराना होगी, तो पूरे पार्ट्स इसके भोपाल में अवेलेबल हैं। वो हमारे मिलने वाले हैं फ्रेंड ने वो करते हैं, उनसे हम करवा के देते हैं ये सब पार्ट। तो इसमें क्या आसानी रहती है कि कोई पार्ट नहीं होगा, बाकी रील्स के पार्ट्स मिलते नहीं है। उसके बाद जैसे मेन होती है सेटिंग, आप जब तक बेड का सीरीज सेटिंग सही रखेंगे जब तक कुछ नहीं होगा। अब तक सेट लोग कहते हैं बैकलेस बहुत आ रहा है, लोग सेट करते ही नहीं है। भाई कलीम भाई आप तो प्रोफेशनल हैं, आप करके चलाते हैं, लोग मैग्नेट फ्री कर देते हैं। मैग्नेट जो है, मैग्नेट सबसे बड़ी बात, मैग्नेट ये होता है इसको अपन ऊपर करेंगे तो बैकलेस ज़्यादा आएगा, और मिडिल में रखेंगे बैकलेस कम आएगा, और नीचे रखेंगे तो बहुत कम आएगा। तो स्टार्टिंग जो लोग करना चाहते हैं वो थोड़ा रील को स्पूल मैग्नेट टाइट करके चलाएं ताकि बैकलेस कम आए, थोड़ा लंबा फेंकने में लंबाई कम जाएगी, बैकलेस नहीं आएगा, सीख जाएंगे धीरे 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 धीरे, फिर यूज कर लेंगे हो जाएगा। जैसे लोग गियर रेशियो में बोलते हैं, गियर रेशियो लोगों मतलब पता ही नहीं क्या होता है। गियर रेशियो का मतलब ये होता है, जैसे 9mm गियर रेशियो रील बहुत तेज लपटेगी रील, वैसे आप फ्रॉग फिशिंग करना तो अपन चाहते हैं फ्रॉग अपना आराम आराम चलता हुआ, तो कम गियर रेशियो की रील भी अपने को चल जाएगी, 6/3/1, 7/4/1 की गियर रेशियो चले। लोग कहते हैं बहुत हाई गियर रेशियो चाहिए, हाई गियर रेशियो जब होता है अपन कास्टिंग करते हैं, ये जब रीलिंग करते हैं तो
तो अपना स्पूल कितनी तेज अपना लाइन लपेट रहा है उसको बोलते हैं गियर रेशो। पोस्टर लोगों को पता नहीं है चीज, नहीं पता है जी। ड्रैग, ये ड्रैग होता है, जैसे मरल खेल रहे हैं फुल टाइट करें, स्पून खेल रहे हैं थोड़ा सा लूज रख के खेलें ताकि अगर हाँ नीचे से खींचेंगे तो ये टाइट होता है, ये आगे करेंगे तो टाइट रहेगा, अगर पीछे करेंगे तो लूज हो जाएगा ये। हाँ, और ये भी सेटिंग रहता है ना, लूज ये स्पूल का भी रहता है, ये स्पूल का सेटिंग होता है ये वाला भी। हाँ जी, ये बैडकास्ट मील में हमारे पास स्टार्टिंग 1000 रुपये से 1000 रुपये है, फिर 1200, 1300, 1400 रुपये से है, 1900 है, 2000, 2600, 3000, 4000, 5000, 6000, 7500 रुपये तक का लास्ट हमारे पास रील अवेलेबल है, वो अबू गार्सिया का जॉर्डन लिए। तो वैरायटी बहुत है हमारे पास, उसके अलावा भी बहुत वैरायटी रखी हुई है, जितनी यहाँ पे जंपाई हमने जमा दी यहाँ पे, और बहुत वैरायटी है। इसके अलावा हमारे पास पूरा कैटलॉग के अंदर एक बैडकास्टिंग रील का अलग सेक्शन बना हुआ है, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं, कस्टमर देखने जाते हैं। और इसके साथ में एक लिक्विड रखा हुआ ऑयल है, ये ऑयल है रील के लिए, ये बहुत जरूरी है सर्विसिंग के लिए, तो बहुत जरूरी है। आप ये सर्विसिंग करना, मशीन का सर्विसिंग करना बहुत जरूरी, कुछ भी नहीं अगर आप एकदम से नहीं कर रहे हैं तो कम से कम है ना महीने में एक बार तो कीजिए, जरूर साफ सफाई कीजिए। गरीब में टिप्स भी ऐसा है कि लोग फिशिंग करके आते हैं तो उस टाइम रील को अपना कपड़ा रखें साफ करें रील को, ताकि रील की जो गंदगी है फिशिंग के टाइम पे हुई है वो अंदर नहीं जाए, जितनी रील के अंदर जाती है वो रील जल्दी खराब होती है, उसको थोड़ा साफ कर लें, थोड़ा झटक लें ताकि पानी निकल जाएगा बाहर। बिल्कुल, जब भी ऑयल डालें एक दो बूंद डालें, रोक के बहुत सारा ऑयल डालें तो उसमें फिर वो कास्टिंग करने के टाइम में हाथ में भी आता है, हाथ में ऑयल आता है और फिर धूल पकड़ता है रील अपना। चलो अपन नेक्स्ट देखना चाहेंगे स्पिनिंग, स्पिनिंग रील है हमारे पास। स्पिनिंग रील हमारा स्टार्टिंग होता है 200 रुपीज से, सिर्फ 200 रुपये में रील है, 200 रुपये से हमारे आगे बढ़ते 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 4400 रुपये तक का सबसे महंगा रील हमारे पास मिल जाएगा स्पिनिंग के अंदर। तो जैसे स्पिनिंग के अंदर ये रील है हमारे पास, प्लास्टिक का रील है ये, बट लोगों का ये रहता है कि टूटेगा तो नहीं, ऐसे कि गिरने पड़ने में कुछ नहीं होता है, बहुत स्ट्रांग रहता है ये टूटा नहीं। स्टार्टिंग जो लोग किनारे पे बैठ के खेलते हैं उन लोगों के हिसाब से अच्छा रील है। इसके बाद हमारे पास वैरायटी और भी है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे 400 रुपये की रील है हमारे पास, 500 की है, 550 की, 700, 800, 1000, 1200, ऐसे बहुत वैरायटी हमारे ब्रांड्स के अंदर। इसमें योलो है हमारे पास, लुकाना है, यूमोशी है, उसके बाद शिमानो की रील है हमारे पास, डाइवा के सारे मॉडल्स मिल जाएंगे, पाइनियर मिल जाएगी रील्स हमारे पास, उसके बाद बहुत वैरायटी इतनी है इसके अंदर, बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास इसके अंदर रील्स के अंदर। आमिर भाई, आप मीडियम रेंज में कोई मशीन सजेस्ट करना चाहेंगे कि कौन सा? देखिए मीडियम प्राइस के अंदर अभी योलो का रील सबसे अच्छा है, आप चलाते थे योलो KT, मेरे हिसाब से रील बहुत अच्छा है ये कम प्राइस के अंदर। ये अभी इसका प्राइस 950 रुपीज़ है सिर्फ, 4000 साइज का, बहुत शानदार रील है कम प्राइस के अंदर। इसे आप खुद खेलते थे, इससे आप खुद पता है कितना शानदार रील है, कितना टाइम में यूज़ करा आपने इस रील को। बस इसका थोड़ा सा एक कमी है, हैंडल और हैवी मिलता है अलग से, लेके भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसका हैंडल भी अच्छा क्वालिटी का है, उसे जो लोग हैंडल पकड़े घाव मारते हैं उसमें ही टूटा है अभी तक, तो बाकी हैंडल और चेंज कर लेंगे तो और अच्छी बात है। उसके बाद फिर लुकाना का और बहुत अच्छा है, लुकाना फेडरेटर है, लुकाना का रेनो है, ये अच्छी रील्स हैं, पाइनियर है, डाइवा है, और योलो में तो बहुत वैरायटी है, ये सब ले सकते हैं बिगनर्स के लिए, तो कम प्राइस के अंदर रील मिल जाता है अच्छा स्मूथ चलने वाला। तो अभी अपन ये फ्रॉक सेक्शन में आए और जानना चाहेंगे क्या क्या वैरायटी तो दिख ही रहा है, लेकिन आमिर भाई से जानना चाहेंगे फ्रॉक के बारे में, क्योंकि ये सब दुकान वाले जो रहते हैं उनको सारी मटेरियल का आइडिया रहता है, तो हम आमिर भाई से ही सुनना पसंद करेंगे। तो आमिर भाई आप फ्रॉक के बारे में बताइए। देखिए वैरायटी तो बहुत सारी है, उसके बाद मैं पर्सनल खुद एंगलर हूँ तो मुझे भी पता है कि क्या एंगलर को पसंद है, तो वही वैरायटी हम ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। हम सस्ता लोकल फ्रॉक नहीं मंगाते क्योंकि हम चाहते हैं थोड़ा पैसा ज़्यादा लगे, 50 रुपये ज़्यादा लगे, बट क्वालिटी अच्छी आए फ्रॉक की, तो हम वैरायटी में क्वालिटी अच्छी रखना पसंद करते हैं। तो हमारे पास स्टार्टिंग रेंज देखिए, जैसे 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग रेंज है हमारे पास, 100 रुपये का फ्रॉक है, 100 रुपये से हमारे पास स्टार्टिंग है, 120, 150 में बहुत रेंज है, उसके बाद 100 से 200 तक काफ़ी रेंज है, फिर 200 से 300 तक काफ़ी रेंज है हमारे पास। एक बार फोकस करिए फिर मैं पर्सनल में दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ब्रांड में मोरिजो है, मेरे पास ब्रांड में लुकाना है, और बहुत ब्रांड कंपनीज हैं, ये मेरा खुद का प्रोडक्ट है ये प्रोटो फ्रॉक। हाँ, ये हमारा खुद का प्रोडक्ट है एंगल स्टेबल इंडिया का। तो इसमें भी अभी हमारे पास 3 कलर्स अवेलेबल हैं, इसमें 6-7 कलर आते हैं, अभी प्रोडक्शन हमारा जारी है उसका, इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर वो भी स्टॉक में आ जाएगा। आपने कलीम भाई की वीडियो में देखा होगा उसको, वेब फ्रॉक वाइट वाला यूज़ करते हुए देखा होगा, कि पेटल फ्रॉक भी कलीम भाई की वीडियो में देखा होगा, ये आवाज़ करते हुए आता है फ्रॉक, ये स्नैक फ्रॉक, ये भी हमारी कंपनी का ही फ्रॉक है, अलग ही लियोर है ये, शायद आपने इंस्टाग्राम पे जो लोग चलाते हैं उनको अमेरिकन कस्टम फ्रॉक लियोर में देखा होगा। लाइट वाला यही है ना, रिफ्लेक्ट लाइट, रिफ्लेक्ट रात में ये करता है, इसमें रात में थोड़ा सा लाइट से चमकाते हैं तो रात में चमकता है। वैसे मेरा तो मानना ये है कि मछली को रात में भी जैसे दिखता है दिन में दिखता है, तो रात में कोई सा भी कलर यूज़ करेंगे अटैक तो होता ही, बट क्या होता है फ्रॉक अपन को नहीं दिखता, उसलिए ये
फ्रॉग लाए हैं हम लोग ताकि फ्रॉग आपको देखिए कहाँ से आ रहा है, ये रात में चमकता है, लोग रात में खेलना चाहें। और भी देखिए वैरायटी देखिए, ये बहुत वैरायटी है मेरे पास। और लुकाना के भी जितने मॉडल्स हैं देखिए, लुकाना की पूरी रेंज लुकाना की है यहाँ पे, ये पूरी लुकाना की रेंज है। इसमें सारे लुकाना के फ्रॉग्स हैं, 8 ग्राम से लेके 21 ग्राम तक का फ्रॉग लुकाना के अंदर है हमारे पास। और दुश्मन फ्रॉग भी जैसे लोग कहते हैं दुश्मन फ्रॉग का नाम हमने दिया, ये दुश्मन फ्रॉग भोपाल से गए हैं, भोपाल से नाम दिया इसको दुश्मन फ्रॉग। दुश्मन फ्रॉग को ऑल इंडिया कोई नहीं जानता था, मैंने ही लुकास भाई से लुकाना में बोला क्या भाई फ्रॉग बहुत अच्छा है, था अपने कंपनी में लेके आई, तो उन्होंने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करा, उसके हुक्स अच्छे करे, रबर अच्छी करी, और अपनी कंपनी में भी लॉन्च कर रहा हूँ लुकाना के अंदर। दुश्मन फ्रॉग सबसे पहले दुश्मन फ्रॉग फेमस हुआ था, छोटा दुश्मन फ्रॉग, इसके बाद एक काफ़ी उसकी रेंज आई, बड़े दुश्मन फ्रॉग आया, और भी बहुत वैरायटी इसकी आने लगी है। बट ये गया भोपाल से ही, इसको भोपाल से फेमस करा गया है, नाम यहाँ पे नॉर्मल इसको समल के दुश्मन बोलते थे, तो वहाँ से इसका नाम दुश्मन फ्रॉग पड़ा गया। देखिए वैरायटी। तो और अभी नेक्स्ट क्या बताना चाहेंगे? स्पिनर से हमारे पास, स्पिनर्स की भी काफ़ी वैरायटी है हमारे पास, ये मैप्स का है, ये लुकाना के अंदर है, कोमोडो है, और सबसे अभी ऑल इंडिया फेमस लालाजी स्पिनर है इस टाइम पे इंडिया में, समझ लिए जहाँ पे भी से फिशिंग कर रहे हैं लोग, यहाँ से बड़ी फिश हंट हो रहा है इससे, क्योंकि जो प्रोडक्शन करा है वो खुद लाला भाई ने करा है, भोपाल के लाला जी ने, और इसके पर वैरायटी यूज़ करा, पहले यूज़ करने का मार्केट में लॉन्च करा, इसमें भी काफ़ी वैरायटी है हमारे पास, इसको लाला जी मरल मैगनेट बोलते हैं। और इसके बाद बस का फ्लैश स्पिनर है, डबल स्पिनर है, देखिए आप शेप साइज सभी अलग है, इसका एक्शन बहुत अलग है, मतलब मछली का होगी तो एक बार में अटैक होगा इस पर, देखिए बहुत वैरायटी है उसके अंदर, इसमें भी 5-6 मॉडल्स हैं हमारे पास अवेलेबल। और ये बिल्कुल एंगलर्स को देखते हुए बनाया है, कई ज़्यादा भारी बनाया है, 20 ग्राम से प्लस का स्पिनर है, ताकि लॉन्ग कास्ट भी हो और अटैक भी अच्छे हो उसके अंदर। तो देखिए लाइन का सेक्शन है, वहाँ लाइन में बहुत वैरायटी है, ब्रेडेड लाइन हमारे पास ये 180 रुपीज़ से स्टार्टिंग होता है, 180 रुपीज़ से शुरुआत है, रेशम की लाइन का, जो रेशम को ब्रेडेड लाइन इसको बोलते हैं। इसमें मेरे पास 4X के अंदर है, 8X में है, 9X है, 12X, मतलब 12 धागों तक का मेरे पास लाइन मिल जाएगा, और काफ़ी वैरायटी है, लुकाना है, प्रोब्रोज है, फिशोलिक है, उसका मेगा पी है, जॉफ है, रिकी मारू है, YGR है, शॉर्ट फिश है, बहुत वैरायटी, काफ़ी रेंज है, और स्पाइडर लाइन है, इसमें भी काफ़ी रेंज है, जो अच्छी लाइन होती है वही हम मंगाना पसंद करते हैं। कास्टिंग भी है लाइन हमारे पास, ब्रांड के अंदर सभी चीज़ें हैं, जैसे कास्टिंग के भी हम भोपाल के लगभग डीलर हैं, क्योंकि भोपाल के अंदर इतनी वैरायटी हमारे पास कास्टिंग की होती कहीं भी पूरे MP में नहीं मिलेगी। रॉड के बारे में बताइए कुछ। देखिए रॉड हमारे पास सबसे सस्ता जो रॉड है 500 रुपीज़ से स्टार्ट है, 500 रुपीज़ में हमारे पास लुकाना का सस्ता रॉड आता है 5 फिट का, ये ग्लास फाइबर रॉड है जो मैं अभी बिजनेस के लिए मैंने बताया था। ग्लास फाइबर रॉड में बहुत वैरायटी आती है बट चीज़ सेम रहती है, देखिए इसे पूरा फोल्ड हो जाता है बट टूटता नहीं है कभी भी, ये सिर्फ ग्लास फाइबर रॉड है इसलिए मैंने इसको फोल्ड करा, और कोई भी रॉड आप फोल्ड करेंगे वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। मेरे पास ये 500 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, इसका मेरे पास बहुत वैरायटी है, इसे लुकाना के अंदर सारे मॉडल्स मेरे पास अवेलेबल हैं, जो स्टार्टिंग रेंज है उसकी पैसिफिक से 1000 रुपये से, उससे लुकाना के 1000 से मेरे पास 4000 रुपये तक का मॉडल अवेलेबल है इस टाइम पे। डाइवा है मेरे पास, सीरॉक कंपनी का रॉड्स है, पाइन का रॉड्स है, जैसे मैगोजन रॉड है, अच्छा क्वालिटी रॉड है, ये सीरॉक कंपनी का रॉड है वाला, ये हंटिंग ब्लैक है, उसके बाद ये अभी जो फिश वाले का रेडली हैंड काफ़ी ट्रेंडिंग में के अंदर, ट्रेंडिंग के अंदर है क्योंकि वो नया लॉन्च हुआ है और काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया है, आपने भी अच्छा रिव्यू दिया कलीम भाई ने, और जो भी यूट्यूबर का पहुंचा है रिव्यू अच्छा आया है इसका, ये भी अच्छा रॉड है, इसमें बेड कास्टिंग स्पिनिंग सब मिल जाएगा सब साइज़ का। फिर पाइनियर रॉड्स है मेरे पास, पाइनियर का है, डाइवा का है, मेजर क्राफ्ट का है, लुकाना के और पूरे मॉडल्स हैवी रेंज के अंदर, लुकाना गोल्ड स्कॉट है, ये देखिए डाइवा फैंटम, उसमें पर डाइवा के सारे मॉडल्स हैं, डाइवा डीबे, सफारी, ओवरटेक और कैटफिश, सारे मॉडल्स हैं लगभग, इतने रख पाते हैं रखते हैं, बाकी पैकेजिंग भी इसकी ऑनलाइन भी मंगाते हैं और पैकेजिंग भी बहुत अच्छे से PVC पाइपिंग करके देते हैं हम लोग, ताकि रॉड सेफली पहुँचे। जो भाई मेजर क्राफ्ट का इंदिरा मॉडल है, ये मेरा मिल जाएगा आपको, कितना फिट में? 8 फिट, 9 फिट, 7 फिट, तीनों साइज मिल जाएगा, बस 7-8, 9 फिट, 3 फिट, तीनों साइज मिल जाएगा इसका ना। और उसका मेरे पास हुकूमत का है, सभी ब्रांड है लगभग ज़्यादातर। आमिर भाई स्पून के बारे में बता रहे हैं। देखिए स्पून जो है ये सबसे बेस्ट स्पून, छोटा ये भोपाल में ही बनता है, ऑल इंडिया भोपाल से जाता है, ये भोपाल के फिरोज उस्ताद हैं, भोपाल के स्पून चैंपियन को बोलते हैं, और फिरोज उस्ताद बोलते हैं, वो स्पून को अपने हाथों से बनाते हैं, स्पून की कटिंग करते हैं, कटिंग करके इसमें होल करते हैं, इसको शेप देते हैं ताकि ये खुद अच्छे से चले, इसका एक्शन अच्छा है। इसमें मेरे पास वैरायटी भोपाली स्पून में 18 ग्राम है, 24 ग्राम है, फिर हैदराबादी स्पून में बस 25 ग्राम है, 35 ग्राम है, सभी रेंज है लगभग मेरे पास, और काफ़ी कम प्राइस का स्पून है, ज़्यादा महंगा स्पून भी नहीं है, वो उससे पहले देखा था 40 रुपीज़ का है, और ये 60 रुपीज़ का स्पून है हैदराबादी, इसका जो एक्शन आता है अलग ही आता है, अलग आता है, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, काफ़ी बेहतरीन आता है, बाकी बहुत स्टॉक है, वो फिर ये गोडाउन का भी आप कैप्चर दिखा देंगे भली, ये पैकेजिंग होती है ऐसे, देखिए सुबह के ऑर्डर्स थे थोड़े से, तो ये अभी जितना पैक हो पाया आपके आने से पहले कर दिया पैक,
ये रॉड पीवीसी पाइप में ऐसे पैक होकर जाती है, इसको आप किसी पटको कुछ भी करो, पूरी गारंटी हमारी है आपके पास सेफली पहुंचाने की। अगर आपके पास पहुंचा और अगर कहीं से कोई ब्रेकेज हुआ तो हमारी पूरी जवाबदारी है। आपका पार्सल पहुंचेगा उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाइए ताकि आप हमें बता सकें कि हमारे आपकी कुछ भी रॉड में डिफेक्ट है या कुछ भी, वैसे हम अच्छे से चेक करके भेजते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और साथ में हम रॉड कवर भी फ्री देते हैं, जिस रॉड के साथ कवर नहीं आता उसके अंदर हम अच्छा क्वालिटी का रॉड कवर भी फ्री देते हैं साथ में। ज्यादातर अच्छा आपको कहाँ का ऑर्डर आता है? अभी झारखंड के तरफ आता क्या? ऑल इंडिया सभी का ऑर्डर आता है। अभी इसे अभी तीन स्टेट काफी चर्चा में, यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र, ये लोग अभी हमें काफी एंगलर्स बहुत बढ़ना है क्योंकि यहाँ पे क्या एंगलर शुरू बाद में हुई है, वहाँ पे जगह बहुत है अभी एंगलिंग फिशिंग करने के लिए। बाकी महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, या तो राजस्थान हो गया, या तो बहुत लोग फिशिंग कर रहे हैं करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे फिशिंग थोड़ा कम हो गया है। बाकी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, झारखंड, झारखंड है सामान बहुत ज्यादा झारखंड से, उसके अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप तक सामान पहुँचाते हैं। अच्छा, जो बिल्कुल इंडिया का बिल्कुल एंड है लगभग, दार्जिलिंग हो गया, नागालैंड हो गया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सब जगह सामान जाता है हमारा। बहुत सारे होता है, आपके सब्सक्राइबर भी उसके यहाँ से जो देखते हैं शायद से हैं, बहुत सारे हैं भाई आपके सब्सक्राइबर। ये आमिर भाई का टी शर्ट काफी खूबसूरत टी शर्ट है जी, टी शर्ट काफी खूबसूरत है, काफी लोगों ने पसंद किया, डिजाइन कौन किया भाई? लगभग थोड़ा थोड़ा मैंने, मुझे क्या इंडिया का फ्लैग बहुत पसंद है, फ्लैग का जो कलर है ना, मैंने उनसे कहा था डिजाइनर से थोड़ा इंडियन टच में लेना, इंडियन फ्लैग के टच में। अच्छा। मैंने पीछे भी इंडियन फ्लैग लगा रखा है मुझे, सब जगह दुकान में इंडियन फ्लैग लगा है, तो मुझे थोड़ा फ्लैग का कलर बहुत खूबसूरत लगता है और मैं बहुत ज़्यादा देशभक्त हूँ भाई, तो मैं चाहता हूँ मेरी गाड़ी पर भी इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, मेरी कार में भी लगा हुआ है इंडियन फ्लैग, सब में लगा रखा है मैंने, तो उसी तरह डिज़ाइन करा था हमने, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट, अभी इसमें हुडी में बनवाया है ताकि लोगों को सर भी कवर हो जाए। कैप और टी शर्ट आप पहनते हैं भाई, आप देखा हुआ ज़्यादातर एंगलर्स ने, काफ़ी अच्छा होता है, इसमें गर्मी कम लगती है। और एक्सेसरीज में क्या क्या है? एक्सेसरीज में हमारे पास जैसे कैप है, टी शर्ट है, ग्लव्स हैं, उसके बाद चेयर है हमारे पास, अम्ब्रेला है, ये पूरी लुकाना के अंदर बहुत सारे एक्सेसरीज है हमारे पास, सनग्लासेस भी हैं, पॉलराइज हमारे पास, वो भी वैरायटी हम रखते हैं और कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा जा सकते हैं, वो ला रहे हैं बराबर, कंटिन्यू ला रहे हैं। अभी कॉम्पिटिशन भी कराया था लास्ट ईयर, शायद लोगों ने देखा हुआ वीडियो, लास्ट ईयर कॉम्पिटिशन कराया था भोपाल के अंदर ही, फर्स्ट प्राइज में 51,000 कैश था और बहुत सारी हमने दिया था उसके अंदर, 15 इनाम बांटा था उसके अंदर मैंने, लगभग 250 पार्टिसिपेंट है हमारे, उसमें सबसे बड़ा कैच जो है 4 किलो 800 ग्राम का पटन फिश था, वो लगा था उसका। और कंपटीशन कोशिश करेंगे कंपटीशन आगे भी कराएं, उससे क्या होता है एंगलिंग बढ़ती है, एंगलिंग एक गेम है, फिशिंग लोग अलग बहुत अलग नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो हमने उसका थोड़ा नाम थोड़ा सा उसकी पहचान अलग करना है फिशिंग की, तो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं भोपाल का एसोसिएशन बनाए, एसोसिएशन के तहत काम करें फिर आगे। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और आमिर भाई बहुत से मतलब सवाल ये है कि आपका जो इनाम था वो 10 किलो का स्नेक हेड के लिए? अच्छा, 10 किलो का स्नेक हेड पे मेरा इनाम है 31,000 रुपए कैश प्राइस, 10,000 रुपए का सामान जाकिर भाई जैक फिशिंग वाले देंगे, और भी थोड़ा छोटा इनाम लोग दे रहे हैं, बट ये अभी तक इनाम कोई ले नहीं पाया है, लगभग 2-3 साल हो गए इनाम लगे हुए, जब तक इनाम नहीं रखा था उससे पहले तो रोज ही लोग पकड़ते, रोज 10 किलो का पकड़ते, जब से इनाम रखा है एक भी नहीं पकड़ पाया, एक भी एंगलर नहीं आया। तो 10 किलो वाले कहाँ चले गए? प्लीज आप पकड़िए और इनाम हासिल कीजिए। एक्चुअली 2 साल हो गए कम से कम ये ऑफर देके, सबको पता ही है इनाम का जो है वो 10 किलो का फोटो डिलीट हो जाता है, या तो वीडियो गायब हो जाती है, मोबाइल गुम जाता है उनका, ये वीडियो बना नहीं पाता, ये बहाने लोगों पास रहते हैं। 10 किलो का स्नेकेट बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। जब रॉड रील में हुक होगा तो शायद वो रॉड रील तोड़ा दे, कोई प्रोफेशनल एंगलर ही, जो उसको समझदार तजुर्बेकार एंगलर ही निकाल पाएगा उसको बाहर। और थोड़ा सा उसके रूल्स हैं हमारे, उसकी एक वीडियो पूरी डली हुई है हमारी, वो भी जाके देख सकते हैं भाई। 40-50 हज़ार का सामान मिल रहा है यानी, तो पकड़ो जाके, मैं तो बोलता हूँ आप पकड़ो 10 किलो का, कहते हैं पकड़े हमने, हम तो हर पकड़ते रहते हैं, जब वो तराजू पे रखाएगा ना तो वहाँ 10 किलो वाला समल 5 किलो का ही होगा, 5 किलो का ही होगा। साइज बहुत बड़ा होता है, भारी होता है समल, इतना 10 किलो वजन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आपने भी लगभग 7-8 किलो का मारा था आपने, कितना बड़ा था वो, अब लोग उसको, हाँ अगर उसको वजन नहीं करते तो मैं बोल सकता था किसी को 8-9 किलो 10 किलो का, क्योंकि एकदम से 7 किलो का मारा, कितना भयानक दिखता है। हालांकि मारे मतलब लोगों ने 8-8 किलो 9-9 किलो तक के मारे हैं, मतलब बताए हैं, मतलब यकीन तो करना पड़ेगा, तो हिसाब से तो भाई चांस है पूरा, आप पकड़िए और अभी भी मतलब ऑफर जारी है, जब तक कोई जीतता नहीं। आपको अगर लग जाए 10 किलो का तो आप 2-3 कांटे में जाके आपको स्पॉट की वीडियो बनाना, सबसे पहले आप मारेंगे तो स्पॉट की वीडियो बनाना, मुझे लग रहा है कि ये सामान 10 kg का होना चाहिए, उस पे इनाम है ताकि जिंदा दिखे तलपता वो, सबसे शर्त है उसको रॉड रील से पकड़ा हुआ, जब से इनाम रखा था उससे पहले रोज ही पकड़ते थे। तो चलो मैं यहाँ आया तो एक इनाम का ये मतलब ये पता चल गया कि अभी भी इनाम जारी है,
तो आप लोग के पास चांस है, आप 10 किलो का मरल पकड़िए और इनाम जीतिए। आमिर भाई के पास आए, मिलके बहुत खुशी हुई। हालांकि जब शुरू मैंने किया था यूट्यूब चैनल, उसके बाद कुछ दिन बाद कांटेक्ट हुआ आमिर भाई से, और कांटेक्ट ऐसा हुआ तो मतलब दोस्ती बन गई। हालांकि फर्स्ट टाइम मिले, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि फर्स्ट टाइम मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, ये आपका बहुत शुक्रिया। आप आए और आप पूरे ऑल इंडिया के एंग्लर्स के आइडिया लेंगे आप, सब आपको एंग्लर आपको देख के सीखते हैं, हीरो बने हुए उनके लिए आप। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा नहीं भाई, हीरो हैं आप भोपाल इंडिया के, तो एंग्लर के हीरो हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं हम भाई। तो मैं तो कस्टमर पर आते हैं, कॉल करते हैं, मुझे पता रहता है ना भाई कितने हो गए आप, तो कॉल इतनी बात हो नहीं पाती आपकी एंग्लर से, मेरी बहुत बात होती है, मुझे पता है इस बारे में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप आए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारा चीज मिल जाएगा, एड्रेस से लेके कैटलॉग नंबर तक, पर्सनल फोन नंबर नहीं है, कैटलॉग मतलब नंबर, ऑर्डर व्हाट्सएप पे रहे, कॉल पे ऑर्डर नहीं होगा, व्हाट्सएप पे ऑर्डर रहता है हमारा, ओनली व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप कीजिए। और एक चीज और, आमिर भाई का चैनल है, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, विजिट आप जरूर करना, आपको सारी वैरायटी देखने को मिल जाएगा उसमें। तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल का नाम है एंग्लिश टैकल इंडिया, स्नेकहेड एंग्लर इंडिया के नाम से चैनल है, चैनल का नाम स्नेकहेड एंग्लर इंडिया। तो जाइए फटाफट और विजिट कीजिए, एंग्लर टैकल इंडिया भी लिखेंगे सबसे पहला वीडियो हमारा ही आएगा, उसमें भी एंग्लर टैकल इंडिया लिख के भी सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा, तो पहला वीडियो आ जाएगा जी। तो दोस्तों सब्सक्राइब। दोस्तों बहुत ताकत से भूख लगा है आमिर भाई के पास पहुंचने में, हालांकि 7 घंटे का रास्ता था, लेकिन हमारे को 9 से 10 घंटा लगा। तो चलो सबसे पहले यार खाना खाते हैं, और भोपाल फर्स्ट टाइम आया हूँ, और मैं सोचा नहीं था इतना बड़ा सिटी है। मौसम भी हमेशा अच्छा ही रहता है, मौसम अच्छा रहता है, आप मुस्कुराइए भोपाल में। अब मारो चाचा, क्या तो लगा है चाचा को, हाय अरे ये यार बाम है, क्या बात है ओ। तो आखिरकार हमने भोपाल आके शिकार भी देख लिया, चाचा ने अच्छे खासे 7 छड़ी लगा के और यहाँ पे बाम पकड़ रहे हैं। और नवाब साहब, नवाब साहब, नवाब साहब हुआ है लेकिन तुमको मैं तहे दिल से इतना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। आप भी वीडियो खत्म देखते हैं भाई, आपको फ्रेंड है, आपका इंतजार ही कर रहे हैं। जिन भाइयों ने पहले सलाम किया उन्हें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, शुक्रिया शुक्रिया।
ये हमारे भोपाल की आन बान जान दिलों की नगरी के बेताल बादशाह बादशाहों के बादशाह आमिर भाई और लाला भाई एक हाल में दोनों का काम चलेगा माशाल्लाह। माँ बाप अलग अलग है लेकिन भाई भाई है, ये अलग अलग नहीं है माशाल्लाह। भोपाल शहर के अंदर हमारे कलीम भाई आए हुए और माशाल्लाह जनता देगी माशाल्लाह इनके स्वागत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग वो स्वागत करते लोग याद रखते हैं माशाल्लाह, हमें तो कोई बुलाते ही नहीं है लेकिन।